राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां 7 बच्चों के एक पिता ने एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। यही नहीं, आरोपी ने लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। मामला चरथावल थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 7 बच्चों के पिता मुनीम ने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर तकरीबन 1.5 साल पहले बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। आरोपी मुनीम 1.5 साल से लगातार ब्लैकमेल कर आरोपी पीड़ित युवती का यौन शोषण कर रहा था, लेकिन हद तो तब हो गई जब कुछ दिन पूर्व आरोपी मुनीम ने पीड़िता से 5 लाख रुपए की मांग की और पैसे न देने पर लड़की की अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे डाली। मांग पूरी न होने पर आरोपी ने युवती की अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इस बात की जानकारी पीड़िता के परिजनों को हुई, जिस पर उन्होंने आरोपी के खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजकर आरोपी युवक मुनीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घर से बाहर अकेली थी, इन्होंने मुझे बहला फुसला के बुला के वीडियो बना के और गलत काम करके फिर इन्होंने 5 लाख रुपये मांगे। 5 लाख रुपये मांगकर हमने कहा नहीं हमारे पास है, फिर मैंने अपने घर को बताया, फिर घर को रिपोर्ट दर्ज कराई। ये थाना चरथावल क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ उसके पड़ोसी मुनीर ने दुष्कर्म किया है और उसकी एक वीडियो बना के वायरल भी की है, जिस तहरीर पर आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए मुनीर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अग्रिम विधि कार्रवाई भी प्रचलित है।